अल्टो क्या मॉडल नंबर है? अल्टो 2009 मॉडल है, एलएक्स आई 2009 मॉडल है, एलएक्स आई। आप बाहर से एक बार कंडीशन देख लें गाड़ी की, ये कंडीशन है। रन अप क्या है इसका? ये भी 45,000 चली है और विद रिकॉर्ड 45,000 किलोमीटर गाड़ी चली है विद रिकॉर्ड। फर्स्ट ओनर है ना? यो गाइस, वेलकम बैक टू देसी व्लॉग एंड टैक्टिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से देसी व्लॉग एंड टैक्टिक्स की नई वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली आज पहुंचा हूं मैं बेस्ट कार डील पर। ये सारे छोटे सेगमेंट की गाड़ियां रखते हैं, यानी कि आपके बजट की गाड़ियां इनके यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरी देखना, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये लाल कलर का बटन दबा के, एंड उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको प्रेस कर लेना, ताकि मैं इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। और दोस्तों आपका इस वीडियो को लेकर के कोई भी सवाल है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है और रशिका की भी आ रही है, तो हमको जाकर फॉलो कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इनके यहाँ पर सारी छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ मिलेंगी और अच्छे बजट में आपको मिल जाएंगी। तो अंदर चलते हैं, जो शॉप के ओनर है, जो मालिक है यहाँ के, उनसे जाकर थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको इनके गाड़ियों के कलेक्शन दिखाऊंगा। और आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि एक वीडियो में इतनी सारी गाड़ियाँ कोई नहीं दिखाता, तो इनकी गाड़ियाँ देख सकते हैं आप। ये इधर ये सारी गाड़ी आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको, और 15 से 20 गाड़ी दिखाऊंगा वीडियो में, बाकी नॉर्मल तो सब 10-12 दिखाते हैं, 8-10 गाड़ियाँ, आज मैं 20 गाड़ी दिखाऊंगा। आपको कोई सी भी गाड़ी पसंद आती है तो जल्द से जल्दी आकर डील क्रैक करें, क्योंकि स्टॉक चेंज होता रहता है भैया के पास में। तो इनके ये अच्छे बेस्ट कार डीलर हैं, सारी फर्स्ट ओनर गाड़ी रखते हैं और सारी सेटिस्फाइड होती है। तो अंदर चलते हैं और शॉप के ओनर से बात करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये है शॉप के ओनर, तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम यश मौर्य भैया। क्या है? यश मौर्य। यश मौर्य, तो सर आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ा परिचय दें, किस तरीके से सेकंड हैंड कार में डील करते हैं? वही यूज कार में डील करते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे पास हर टाइप की गाड़ी मिल जाएगी, छोटे सेगमेंट में, बड़े सेगमेंट में। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ जो दिल्ली के लिए क्या फैसिलिटी, लोन वगैरह है आपके यहाँ? दिल्ली वगैरह, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद के लोन कर सकते हैं। दिल्ली के लिए ओनली? नहीं, दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद। दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद जी। अदर स्टेट के लिए क्या आपके यहाँ पे प्रोसेस है? जब अदर स्टेट से कोई गाड़ी मंगाना चाहे तो ट्रांसफर करा दोगे? बिल्कुल, ट्रांसफर नहीं होगी, मेरे पास से एनओसी मिल जाएगी आपको गाड़ी, एनओसी कटवा के दे देंगे। ओके, तो आपके यहाँ पे जितनी मोस्टली कार होती है सारी सर्टिफाइड होती है? सारी सर्टिफाइड कार्स हैं। ओनर क्या होती है ज्यादातर? फर्स्ट ओनर या सेकंड ओनर होती है, मोस्टली फर्स्ट ओनर होती है। तो आपके यहाँ जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि इसी सेकेंड हैंड गाड़ियों में डील करते हैं, वो एक्सीडेंटल गाड़ी बेचते हैं, रिपेंट होती हैं, मतलब ज़्यादातर मोस्टली ये ज़्यादा कमेंट आती हैं। दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलती है भैया, मोस्टली टचिंग वगैरह हो जाती है, बम्पर वगैरह की। अच्छा ठीक, बम्पर वगैरह पेन मिलते हैं। ओके, तो आपके यहाँ जो आएगा कोई बंदा अगर विजिट करने के लिए आता है तो अपना एड्रेस वगैरह थोड़ा गाइड कर दें। वैशाली, नियर बाय मेट्रो स्टेशन है मेरे ऑफिस के। ओके, एस कार्ड रेट के नाम से मेरे ऑफिस का नाम है, अपोजिट गैलेक्सी सिनेमा है। मैं मोहन नगर के पास में, क्योंकि ज्यादातर वैशाली और मोहन नगर फेमस है यहाँ पर। बाकी सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, एक बार जाकर चेकआउट करो। कॉलिंग टाइमिंग क्या रहेगा आपके यहाँ पर, कोई कॉल करना चाहे तो? मॉर्निंग टू इवनिंग कभी भी कॉल कर सकते हो। रात को नहीं? नहीं, रात में काम होता है ना। बिल्कुल। तो चलो फिर आप गाड़ियाँ दिखाओ, कुछ अपने जो सेगमेंट है वो दिखाओ, और फिर उसके बाद जो भी विजिट करने के लिए आता है तो आशा करता हूँ कि आप उसे अच्छे से डील करेंगे। कोई हमारे रेफरेंस आता है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कुछ गाड़ियाँ दिखाओ फिर। ओके भैया, सबसे पहले इस अल्टो के बारे में बताइए, अल्टो क्या मॉडल नंबर है? अल्टो 2009 मॉडल है, एलएक्स आई 2009 मॉडल है, एलएक्स आई। कितना चली है? 13,000 किलोमीटर विद रिकॉर्ड। विद रिकॉर्ड। और फ्यूल क्या है इसमें? फ्यूल पेट्रोल। पेट्रोल है। क्या प्राइस है इसका? भैया 1.5 लाख डिमांड है। 1.5 लाख नेगोशिएबल? थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा। अच्छा, ओनर क्या है? फर्स्ट ओनर। ओनर फर्स्ट है। और दोस्तों तो इसका प्राइस जो है 1.5 लाख रुपए है, और अल्टो खड़ी देख सकते हैं, इसकी कंडीशन देख सकते हैं, बाकी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। और इसके पहले मैं बाहर से पूरी कंडीशन दिखा देता हूँ आपको, ये कंडीशन है गाड़ी की देख सकते हैं। और यूपी 16 नंबर है ये, तो इसका अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको, एंड ये इसका इंटीरियर हो जाएगा अंदर से। तो ये इसका है इंटीरियर अंदर से, बाकी जो मैंने प्राइस बताया वो नेगोशिएबल बताया, बाकी गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसके टायर वगैरह चारों वर्किंग कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में है। तो जो मैंने प्राइस बताया इसका नेगोशिएबल बताया था 1.5 लाख रुपये। भैया इसके बारे में बताएं फिर। भैया 2015 मॉडल है, स्विफ्ट एलेक्स आई है, ऑप्शन वाली, फ्रंट पावर विंडो मिलेगी और कंपनी फ्रीड सेंट्रल लॉकिंग मिलेगी। ओके,
ये 52,000 बिड रिकॉर्ड चली है। मॉडल क्या है? 2015 मॉडल है। कितना चली है? 52,000 बिड रिकॉर्ड। 52,000 ओनर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ओनर हो गया। तो क्या मांग रहे इसका? इसकी भैया 4 लाख डिमांड है, नेगोशिएबल। 4 लाख डिमांड है, नेगोशिएबल। तो देख सकते हैं इसकी 4 लाख डिमांड है, नेगोशिएबल। कितना चलिए भाई ये गाड़ी? 52,000 विद रिकॉर्ड चलिए। इसके जो चारों के चारों टायर हैं गाड़ी के MRF के हैं और अच्छी कंडीशन में हैं। और इसकी आप बाहर से एक बार कंडीशन देख लें गाड़ी की, ये कंडीशन है। और जो भाई ने प्राइस बताया वो नेगोशिएबल बताया। बाकी एक बार अंदर से इसका इंटीरियर देख लो गाड़ी का। एंड ये है इसका इंटीरियर गाड़ी का। तो ये इंटीरियर हो जाएगा गाड़ी का। तो भैया इस वाली के बारे में बताएं, ये वाली गाड़ी कौन सी है? ये 2014 मॉडल है, सिलेरियो ZXi टॉप मॉडल। सिलेरियो 2014 मॉडल ZXi टॉप मॉडल खड़ी है। रनअप क्या है इसका? ये भैया 45,000 चली है विद रिकॉर्ड। 45,000 किलोमीटर गाड़ी चली है विद रिकॉर्ड। फर्स्ट ओनर है ना? फर्स्ट ओनर है, दिल्ली नंबर गाड़ी है। रिपेंट तो नहीं है ना गाड़ी? ओरिजिनल पेंट है ना गाड़ी? ओरिजिनल पेंट है ना? बम्पर वगैरह पेंट है। तो दोस्तों इसके टायर वगैरह देख लो, गाड़ी की कंडीशन देख लो। तो देख सकते हैं इसकी कंडीशन देख लो गाड़ी की। तो इसका अंदर से इंटीरियर देख लो एक बार गाड़ी का। एंड ये है इसका इंटीरियर। और इसका जो इंटीरियर है वो लेदर में है। प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस कितना? 3 लाख। तो दोस्तों ये आपको 3 लाख रुपए की मिलेगी और ये भी नेगोशिएबल है। तो देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन बाहर से। तो भैया इस वाली के बारे में बताएं थोड़ा। ईओन 2015 मॉडल है भैया। 2015 गाड़ी कौन सी है? ईओन। तो देख सकते हैं ईओन खड़ी है, 2015 मॉडल खड़ी है, Hyundai की रूपी 14 नंबर है। कितना चली है भैया? 40,000 किलोमीटर गाड़ी चली है विद रिकॉर्ड। ओरिजिनल पैंट के साथ में खड़ी है, ओनर फर्स्ट है, डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है, नॉन एक्सीडेंटल है। तो गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर आपको पेपर वर्क सारा ओके मिलेगा बिल्कुल भैया के यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन पीछे से। अब मैं इसका अंदर से आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो ये हो जाएगा इसका इंटीरियर अंदर से गाड़ी का, देख सकते हैं आप। और इसका जो इंटीरियर वो भी लेदर में है। और इसका डैशबोर्ड सामने से, तो कंडीशन देख लिया आपने। क्या प्राइस है इसका? इसकी 2,25,000 डिमांड है। 2,25,000 2,25,000 नेगोशिएबल? नेगोशिएबल हो जाएगा। नेगोशिएबल है, 2,25,000 डिमांड है इसकी। तो इस वाली के बारे में बताएं भैया। i10 1.1 है, मैग्ना 2013 मॉडल है, कंपनी फिटेड CNG। ओके, चली कितने गाड़ी? ये चली 56,000 के आसपास। 56,000 ओनर क्या हो जाएगा? सिंगल ओनर है। सिंगल ओनर है। तो दोस्तों देख सकते हैं सिंगल ओनर है, गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं आप। एक बार बाहर से मैं कंडीशन दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। ये i10 मैग्ना है, कंडीशन गाड़ी की ओके है, UP 82 नंबर है इसका। तो इसका मैं आपको अंदर से एक बार इंटीरियर दिखाना चाहूँगा गाड़ी का। ये है इसका इंटीरियर अंदर से, आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं गाड़ी का। प्राइस क्या इसका? 2,90,000 रुपए की आपको यहाँ पर मिल जाएगी ये गाड़ी, बाकी नेगोशिएबल है। तो इस वाली के बारे में बताएं भैया। 2011 मॉडल है, i10 2011 मॉडल। कितनी चली है गाड़ी? ये चली है 60,000 के आसपास। 60,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। ओनर क्या हो जाएगा? सिंगल है। और इसकी दो पेपर वगैरह सारा ओके मिलेगा ना आपके यहाँ पर? सब कंप्लीट है। तो इनके यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको फर्स्ट ओनर मिलेंगी मोस्टली, और नॉन एक्सीडेंटल मिलेंगी। तो गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कंडीशन है गाड़ी की। अब मैं इसका आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ एक बार। एंड ये इसका है इंटीरियर लेदर में, तो देख सकते हैं आप। ये है इसका इंटीरियर अंदर से गाड़ी का। प्राइस कितना भैया इसका? इसका 2,25,000 डिमांड। 2,25,000 रुपये की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, दिल्ली नंबर गाड़ी है और दैट इज नेगोशिएबल। एंड भैया इसके बारे में बताएं। ये ब्रियो भैया 2013 मॉडल है, SMT टॉप मॉडल। होंडा की ब्रियो खड़ी है 2013 मॉडल, SMT टॉप मॉडल है ना। कितना चली है गाड़ी? 45,000 के आसपास चली है। 45,000 किलोमीटर गाड़ी चली है भैया।
ओनर फर्स्ट है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो पेपर वगैरह भैया के ओके हैं, तो ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में खड़ी है। मैं एक बार कंडीशन पूरी दिखा देता हूँ आपको, और पूरी की पूरी ओरिजिनल पेंट के साथ में खड़ी है, और ये गाजियाबाद नंबर गाड़ी है, तो कंडीशन आपने देख ली होगी गाड़ी की पूरी, ये देख सकते हैं कंडीशन। एंड अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से गाड़ी का इंटीरियर, ये है होंडा वेन्यू का इंटीरियर, और आपको ये लेदर में मिल जाएगा, देख ले दोस्तों, ये है इसका इंटीरियर गाड़ी का। प्राइस क्या भैया इसका? ये आपको मिलेगी 3,25,000 रुपए की मिल जाएगी, और ये भी प्राइस है इनके यहाँ पे नेगोशिएबल है, तो कंडीशन मैंने दिखाई थी, इसका प्राइस भी बता दिया। एंड भैया इस वाली के बारे में बताएं, होंडा जैज 2016 मॉडल, ऑटोमेटिक है ना, कितना चली है? 38,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, यूपी 16 नंबर है, ओनर फर्स्ट है, सिंगल ओनर है। तो दोस्तों इसकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की, तो ये है इसकी कंडीशन, तो देख सकते इसकी कंडीशन देख ली। एंड इसका अब आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ अंदर से, तो ये है इसका अंदर से इंटीरियर गाड़ी का, ये देख सकते हैं इसका इंटीरियर आप। प्राइस क्या भैया? प्राइस क्या है इसका? 6,00,000 6,00,000 इसकी डिमांड है, नेगोशिएबल है। तो इस वैगनार के बारे में बताएं भैया, 2012 मॉडल खड़ी है वैगनार, कितना चली है? चली 68,000 किलोमीटर, ओनर सिंगल ओनर है, 68,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, नॉन एक्सीडेंटल है, तो कंडीशन देख लें आप वैगनार की। तो इसकी एक बार पीछे से मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ पूरी गाड़ी की, तो ये देख सकते हैं कंडीशन। एंड अब इसका मैं आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ, एंड ये है इसका वैगनार का इंटीरियर अंदर से, तो देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड वगैरह आप, और आपको ब्लैक लेदर में मिल जाएगा इधर पूरा का पूरा इंटीरियर। तो अब इधर की गाड़ियों को भी कर लेते हैं, तो भैया इस वाली के बारे में बताएं जरा। ये वाली 2012 मॉडल है भैया, मैगना i10 मैगना 2012 मॉडल, कितने चली है गाड़ी? ये चली है कोई 60 के आसपास। ओनर तो फर्स्ट है, तो देख सकते दोस्तों देख सकते हैं कंडीशन, इसकी कंडीशन देख लें आप गाड़ी की, ओनर फर्स्ट है, और 60 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली हुई है, तो इसकी है ये कंडीशन पूरी की पूरी बाहर से, नॉन एक्सीडेंटल है, और इसका अंदर से आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको। एंड ये है इसका इंटीरियर, सब एसी वगैरह इसका वर्क कर रहा है, तो इसका आप इंटीरियर देख सकते हैं गाड़ी का। प्राइस क्या भैया इसकी? भैया 2,50,000 डिमांड है, 2,50,000, तो ये आपको 2,50,000 की मिल जाएगी, अभी नेगोशिएबल है। तो भैया इस वाली मारुति के बारे में बताएं। ये डिज़ायर है भैया, 2012 मॉडल है, VXi सेकंड टॉप मॉडल। ओके, कितना चलिए गाड़ी? ये गाड़ी चलिए 60 के आसपास। ओनर तो फर्स्ट होगी ना? सिंगल ओनर है भैया, गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है, सिंगल ओनर है, तो कंडीशन देख सकते हैं आप गाड़ी की, तो ये है कंडीशन इसकी, और ये यूपी 14 नंबर है, तो पूरी कंडीशन में आपको दिखा दी, VXi है टॉप मॉडल। तो अब इसका अंदर से एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको, एंड ये है इसका इंटीरियर अंदर का गाड़ी का, तो ये है इनका इंटीरियर अंदर का। प्राइस क्या इसका? इसकी भी 3,50,000 डिमांड है, 3,50,000 रुपए की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और ये भी नेगोशिएबल प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको। एंड इस वाली का क्या है? ये 2013 मॉडल है, ZXi टॉप मॉडल, ये 12 है, ये 13 है, ये 13 है, ये यूपी 16 नंबर है, मॉडल क्या 13? 13 मॉडल है। कितना चली है गाड़ी? ये कोई 65,000 के आसपास चली है, 65 चली है, ये भी डिजायर है ना? हाँ डिजायर है, तो देख सकते हैं 65,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, ओनर फर्स्ट है, बाकी कंडीशन आपको दिख रही होगी गाड़ी की चमचमाती हुई, तो इसकी बाहर से कंडीशन दिखा देता हूँ, और ये आपको पेट्रोल में मिलेगी, तो देख सकते हैं इसकी कंडीशन देख लें आप। एंड इसका आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी का, एंड ये है इसका इंटीरियर गाड़ी का, ये देख सकते हैं। प्राइस क्या इसका? इसकी 4,00,000 डिमांड है, 4,00,000 रुपए की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये भी नेगोशिएबल है,
एंड इस वाली के बारे में मतलब होंडा के बारे में, 2013 मॉडल है डीजल में, 2013 मॉडल है होंडा अमेज, 2013 मॉडल है होंडा अमेज, कितना चली है? ये चली 75,000 विद रिपोर्ट, 75,000 टॉप मॉडल है ना, टॉप मॉडल, फर्स्ट ओनर और ये गाड़ी खड़ी है डीजल में, तो इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं गाड़ी की, ये कंडीशन है, एंड इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरे पूरे टायर वगैरह सब चीज़ दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए। एंड इसका मैं आपको अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ गाड़ी का, ये है इसका इंटीरियर अंदर से, ये है इंटीरियर अंदर से गाड़ी का। एंड इसका प्राइस कितना है? 3,90,000 नेगोशिएबल, 3,90,000 रुपये की आपके यहाँ पर मिल जाएगी, ये भी नेगोशिएबल है। एंड ये इनोवा 2010 मॉडल है, टॉप मॉडल है V, 2010 मॉडल, तो दिल्ली नंबर गाड़ी है, इनोवा की कंडीशन देख सकते हैं आप। कितना चली है गाड़ी? ये चली है 1,20,000, 1,20,000 गाड़ी चली हुई है किलोमीटर। ओनर क्या है इसका भैया? ये भी सिंगल ओनर है, तो गाड़ी की कंडीशन आप देख ही पा रहे होंगे, इनोवा चमक रही है बिल्कुल, मैं आपको पूरी की पूरी कंडीशन दिखा देता हूँ। एंड उससे पहले आप इसके टायर देख सकते हैं गाड़ी के, ये टायर है, एंड इसकी कंडीशन देख लो आप पीछे से गाड़ी की, ये कंडीशन है। और अब इसका अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको, एंड ये है इसका इंटीरियर। इसका प्राइस कितना भैया? 6,00,000 डिमांड है, और ये आपको इनोवा 6,00,000 रुपए की मिल जाएगी, ये भी नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल है भैया, तो ये भी नेगोशिएबल है, तो कंडीशन आप देख ही पा रहे होंगे इसकी। एंड इसके बारे में बताएं भैया, इटियोस डीजल में 2012 मॉडल है, कौन सी है? इटियोस 2012 डीजल में, डीजल में है। इनोवा किस में है ये? ये भी डीजल में, ये भी डीजल में, ये भी डीजल में, तो कितना चली है गाड़ी? ये चली है कोई 89,000, गाजियाबाद नंबर है, सिंगल ओनर है, तो कंडीशन देख लें आप इसकी इटियोस की। तो इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप चारों तरफ से। एंड दोस्तों अब मैं इसका अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको गाड़ी का, तो ये है इस गाड़ी का अंदर से इंटीरियर, तो देख सकते हैं। और जो हम किलोमीटर बताए जेन्युइन है ना भैया, बैक टू बैक तो नहीं है, तो इसका क्या प्राइस है टॉस का? इसकी भी 3,50,000 डिमांड है, ये 3,50,000 रुपये की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और ये भी नेगोशिएबल है। तो इस वाली के बारे में बताया भैया? ये 2009 मॉडल है, होंडा सिटी आई वी टेक, होंडा सिटी आई वी टेक 2009 मॉडल, कितना चली है? ये चली हुई 65,000 के आसपास, ओके, सिंगल सॉरी सेकंड ओनर है गाड़ी, ये सेकंड ओनर है जी। तो इनके पास इतनी मैंने गाड़ियाँ दिखाई हैं, इनमें से यही सेकंड ओनर है, ये भी अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, यूपी 14 नंबर है, तो इसकी कंडीशन देख लें आप। एंड ये है इसकी कंडीशन गाड़ी की पूरी बाहर से। एंड अब इसके एक बार टायर पर भी नज़र मार ली जाए, ये टायर है, एंड अब इसका इंटीरियर, एंड ये इसका इंटीरियर है गाड़ी का। तो इसका क्या प्राइस दे रहे हैं? 2,75,000 डिमांड है, ये 2,75,000 रुपये की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और ये भी नेगोशिएबल है, बाकी कंडीशन आप देख ही सकते हैं। ओके दोस्तों आज की वीडियो जल्दी खत्म करते हैं, अगर आपको कोई सी भी गाड़ी पसंद आई हो तो बेस्ट कार डील पाकर आप डील क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करके जाएं। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।